हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है वन महोत्सव। तो आज की वीडियो में मैं आपको वन महोत्सव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव संपूर्ण भारत में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। यह महोत्सव सन 1950 में केंद्रीय कृषि एवं खाद्य विभाग मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी जी ने शुरू किया था। इस महोत्सव को शुरू करने का उद्देश्य लोगों को पेड़ों के महत्व को समझाना था। उनका यह मानना था कि सभी लोग मिलकर वन महोत्सव को एक बड़े त्यौहार की तरह मनाएं। वन महोत्सव को मनाने के उद्देश्य। डॉक्टर के एम मुंशी जी ने वन महोत्सव को मनाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे। नंबर 1, अधिक से अधिक फलों का उत्पादन हो। नंबर 2, खेतों के आसपास छायादार वृक्षों को लगाया जाए। नंबर 3, पशुओं को खाना प्राप्त हो। नंबर 4, अधिक पेड़ लगाकर मृदा को संरक्षण दिया जाए और मृदा अपरदन को रोका जाए। वन महोत्सव का इतिहास। वन महोत्सव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1947 में किया गया था, जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हमारे देश के नेता जैसे श्री अब्दुल कलाम आज़ाद, श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था। वन महोत्सव के दौरान पूरे भारत देश में अत्यधिक संख्या में पौधे लगाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने शहरीकरण के नाम पर बहुत सारे पेड़ काटे हैं। सन 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि पूरे भारत देश में केवल 24.16% वन क्षेत्र ही रह गया है। वन महोत्सव का उद्देश्य इस गंभीर समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करना है और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का निदान भी वृक्षारोपण करने से ही संभव है। वन महोत्सव कैसे मनाया जाता है? वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है और जो पौधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दौरान छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे पशुओं और पक्षियों को भी आसरा मिल जाए। वन महोत्सव के दौरान विद्यालय, कॉलेज तथा अन्य सामाजिक संगठन आदि बढ़ चढ़कर पेड़ लगाते हैं और इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस महोत्सव में लाखों की संख्या में नए पौधे लगाए जाते हैं। अगर हमें आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान चाहिए तो वन महोत्सव को मनाने में अपना योगदान जरूर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी वन महोत्सव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।